राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दी जियो। श्री राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय राधा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदा नंदन गज जन रंजन। 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 यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वन चारि। यमुना तीर वन चारी। यमुना तीर वन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 गाइए प्रेम से, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बोलो, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली, बोलो राधे 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 राधे, गोपीपुरा में गोवर्धन में गणपति में कृष्ण गुण में राधे राधे, गोविंद गुण में राधे राधे, भैरव गुण में राधे राधे, गौरी गुण में राधे राधे, उछल पलोट
राधे राधे हरि गोकुल में राधे राधे रमण गति में राधे राधे भाग्य बिहारी राधे राधे शनि बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा विनोद जी राधे राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे राधा माधव राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे उदल किशोर जी राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे अश्व सखी जी राधे राधे ऋषभदेव जी राधे राधे द्वारकाधीश जी राधे राधे महेश्वर महादेव राधे राधे महेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली मंदिर घाट में वृंदावन में गाँव में काली गुहापन पान गली में मान गली में कुमन गली में कुंजसुरा में गली में सुंदर घाट में चूर घाट में कोशी घाट में जीवन में शिव वन में राधे राधे ब्रह्मा वन में राधे राधे अटल वन में राधे राधे निहर वन में राधे राधे गोपाल वन में राधे राधे वेणुकूट में राधे राधे निकुंज वन में राधे राधे राधा वन में राधे राधे झूलन वन में राधे राधे पांडुर वन में राधे राधे माधु वन में राधे राधे सूर्य घाट में राधे राधे युगल घाट में राधे राधे बिहार घाट में राधे राधे अंधेर घाट में राधे राधे पानी घाट में राधे राधे तेरी कदम में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे जन्मभूमि में राधे राधे गोपेश्वर में राधे राधे विश्राम घाट में राधे राधे स्वामी घाट में राधे राधे माधोखंड में राधे राधे अपूर्व भवन में राधे राधे काल वन में राधे राधे कुमुद वन में राधे राधे बरिया जी में राधे राधे बराई गाँव में राधे राधे अरुण गोविंद में राधे राधे बरिया जी में राधे राधे केसरी गाँव में राधे राधे संतर गुण में राधे राधे शकर गाँव में राधे राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली नाम महाभ्रम है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया ब्रज मार बनी मिले रसिको की सदा और पीबन को यमुना जल पानी तू
दुख मिले रसिको की सदा और पीवन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपने ठकुराने श्राद्ध करने अपने ठकुराने श्राद्ध करने अपने ठकुराने श्राद्ध करने अपने ठकुराने श्राद्ध करने श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम पीताम्बर दरुणबिम
बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने योऽन्तः प्रवेश्य मम वा च मीमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृतमेत देव गोविंद दामो धरमाधवेति जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्तापित श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित हम सब भगवत स्वरूप भगवान की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और इस श्रवण के दौरान श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी को भगवान कपिल देव की कथा सुना रहे हैं। सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ। माता देवहूति को माध्यम बनाकर जगत के जीवों को भक्ति योग का उपदेश दे रहे हैं। गत सत्र में भगवान कपिल देव ने कहा
यदि हम संसार के दुखों से और इस जगत के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो इस संसार की वस्तुओं में, संसार की व्यक्तियों में हम जो आसक्ति कर रखे हैं वह आसक्ति साधुओं के साथ कर लेनी चाहिए। साधु संतों में आसक्ति रखने से मोक्ष द्वार अपावृतम, हमारे मुक्ति का द्वार खुल जाता है। मात्र भागवत ही नहीं अपितु समस्त शास्त्र एक स्वर से कहते हैं साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कई, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र भी, एक क्षण पल मात्र भी यदि हम साधु संग कर लेते हैं तो समस्त सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कह साधु, साधु किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या हमने आपके समक्ष कल की थी। जिनका जीवन शास्त्र के अनुसार होता है, शास्त्र में जो उपदेश बताए गए हैं उस उपदेश और सिद्धांत के अनुकूल जिनका जीवन होता है उसे साधु कहते हैं। और अंत में भगवान कपिल देव कहते हैं कि ऐसे साधु का मन, ऐसे साधु की वाणी निरंतर भगवान की कथा में लगी रहती है, निरंतर भगवत नाम और भगवत कथा में वह साधु संत लगे रहते हैं। और भगवत कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए, भगवत नाम लेने के लिए यदि उनको अपने परिजन सगे संबंधी को छोड़ना भी पड़े तो वह छोड़ देते हैं। त्यक्त स्वजन बांधवा, भगवत भक्ति के मार्ग में यदि हमारे अपने प्रिय स्वजन भक्ति के आड़े आ जाते हैं तो उसे त्याग देते हैं, वो है साधु। भक्तों, भक्ति का यह सिद्धांत है, भक्ति में अनुकूल वस्तु को स्वीकार करना और प्रतिकूल वस्तु को त्याग देना। इस संसार में हमारे स्वजन इसलिए बने गए हैं कि वे स्वजन हमें भगवत भक्ति में प्रेरणा प्रदान करें, भगवान की ओर हमें आगे बढ़ाए। परंतु जो स्वजन हमारी भक्ति में बाधा बनते हैं, वास्तव में वो हमारे स्वजन नहीं है, उसे तो तुरंत त्याग देना चाहिए। अनेकों दृष्टांत, अनेकों प्रमाण, और किसकी बात की जाए, हमारे अपने मारवाड़ की मीराबाई को ही ले लीजिए। मीराबाई जिनका जीवन परम भक्तिमय था, जब ये 4 साल की बालिका थी, एक दिन मीराबाई के गांव में विवाह करने के लिए बारात आई। मीराबाई ने अपनी मां से पूछा, मां मां ये क्या हो रहा है। बोली, ये बारात आई है, दुल्हा आया है हमारे गांव में दुल्हन को ले जाने के लिए, विवाह हो रहा है। मीराबाई ने कहा, मां मुझे भी विवाह करना है। अब बच्चे को तो इतना ज्ञान नहीं होता है, बस उनके मन में आ गया, 4 साल की मीराबाई ने कहा कि माता मुझे भी विवाह करना है, मेरा विवाह कराओ। बोले, बेटा तू अभी छोटी है, बड़े हो जाने के बाद। बोले, नहीं मुझे आज विवाह करना है। बोले, मैं कैसे विवाह कराऊं। नहीं, मुझे आज अभी विवाह करना है, मुझे शादी करनी है। अब क्या करे, बालक जीत पकड़ ली। मैया को और कोई रास्ता नहीं सूझा, मीराबाई की मां ने मीराबाई का हाथ पकड़ा और उनके घर पर एक बहुत सुंदर ठाकुर जी कृष्ण का विग्रह था,
मीराबाई को कहा कि तुझे शादी करनी है ना, आज से मैं तेरी शादी इस कृष्ण के साथ कराती हूं, ये कृष्ण ही आज से तेरे पति हैं। बस उस दिन से मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति मान लिया, मरते दम तक उस पति को नहीं छोड़ा। मीराबाई ने एक बहुत सुंदर पद कहा है, ऐसे पति के साथ विवाह करके मैं क्या करूं जो आज जिए और कल मर जाए, जिसका जीवन का कोई ठिकाना नहीं, जिसकी मृत्यु कभी भी आ सकती है, जिसका सुहाग कभी भी उजड़ सकता है। ऐसे पति के साथ विवाह करके मैं क्या करूं जो आज जिए और कल मर जाए, मैं तो विवाह करूं मेरे गिरधर गोपाल से, जिससे मेरा सौभाग्य अमर हो जाए। यदि हमें हमारे सौभाग्य को अमर करना है तो कृष्ण को अपना पति स्वीकार करना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कृष्ण को पति मान चुकी हैं, परंतु फिर भी मीराबाई का विवाह हुआ, पति की मृत्यु हो गई। मीराबाई को ससुराल में भक्ति में बहुत बाधा होने लगी, यहां तक विष भी दिया गया। उन दिनों हमारे भारत में एक बहुत बड़े संत जिन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा, जिनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास, प्रसिद्ध संत थे। उस समय मीराबाई ने मेड़ता से यहां से एक पत्र लिखा काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी को, कहा है गोस्वामी जी हमारे घर पर मुझे कृष्ण भक्ति में बहुत बाधा हो रही है, मेरे घर वाले मेरे ससुराल के लोग मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, बताइए प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई को उत्तर दिया, जाके प्रियन राम में दे तजियता सु कोटि वेरी सम तजियता सु कोटि वेरी सम यद्यपि पर मसने ही प्रियन राम वे दे जाके प्रियन राम वे दे। बहुत सुंदर पद गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र में लिखा और मीराबाई को भेजा। मीराबाई को कहा मीराबाई इस संसार में यदि हमारे जीवन में भक्ति में कोई बाधा बन रहा हो, राम और कृष्ण की भक्ति में कोई रुकावट दे रहा हो, तो वो रुकावट देने वाला यदि हमारा कितना भी बड़ा सुहद हो, कितना भी बड़ा प्रेमी भी क्यों ना हो, उसे कोटि वैरी की समान त्याग देना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति में बाधा देने वाला हमारा प्रिय नहीं, हमारा सुहद नहीं, वो तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, त्याग देना चाहिए। मानो मीराबाई ने पूछा मैं मेरे ससुराल को त्याग दूं, मेरे देवर को त्याग दूं, सास ससुर को त्याग दूं, समाज के लोग क्या कहेंगे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बलि गुरु तज्यो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बंधु भरत महतारी। भगवान के लिए प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को त्याग दिया। क्या प्रहलाद को कोई गाली दे रहे हैं? आज भी प्रहलाद का नाम लेते हैं तो उसे महाराज कहा जाता है।
कृष्ण भक्ति के आड़े आने वाले हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद ने त्याग दिया। प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया। कल आपने सुना ना गुरु की महिमा, जब हमें शुद्ध सच्चे गुरु के बारे में जानकारी हुई तब कुछ लोग के मन में ऐसा होता है, हमने तो पहले से गुरु बना रखे हैं, अब उस गुरु को मैं कैसे छोड़ूं। भक्तों, बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया। जो गुरु कृष्ण भक्ति के आड़े आते हैं, जो गुरु कृष्ण भक्ति के चरणों में अग्रसर नहीं करा सकते हैं, उस गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, बलि महाराज ने अपने गुरु को त्यागा। बंधु भरत महतारी, कहते हैं विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया। विभीषण ने रावण को त्याग दिया और भरत जी ने तो अपनी सगी मां को त्याग दिया। रामायण में भरत ने अपनी मां को त्याग दिया। प्रसंग आप सब जानते हैं, आपको स्मरण कराऊं। भरत और शत्रुघ्न जब ननिहाल गए थे, राजा दशरथ के मन में इच्छा हुई राम को राजा बना दूं, परंतु मंथरा ने कैकेयी के कान भरे और कैकेयी ने दो वरदान अपने पति से मांग लिया, एक भरत को राजा बनाओ और दूसरा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दो। भगवान तो आत्म राम है, मुक्त काम है, वे तो प्रसन्न होकर अपने राज रजवाड़े को छोड़कर वन में चले गए। भरत जी जब वापस आए ननिहाल से, भरत की मां कैकेयी ने कहा, बेटा बेटा मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो भरत जी कहते, मां अयोध्या में ऐसा तो क्या बिगड़ गया था कि तुमको ठीक करना पड़ा। कहा तुम्हारे पिता राम को राजा बनाने वाले थे, लेकिन मैंने राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। इतना सुनते ही भरत जी के हृदय में धक्का लग गया, तूने मेरे प्रभु को मुझसे अलग कर दिया, आज तूने भक्त को भगवान से अलग कर दिया, तू मेरी मां नहीं हो सकती है। धिक्कार है मेरे जन्म को कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया, आज से तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं। भरत जी ने उस दिन से अपनी मां को मां नहीं कहा, ठुकरा दिया, अपना मुंह मत दिखाना मुझे। कैकेयी कहती है, बेटा जो संतान जो पुत्र अपनी मां को मां नहीं कहते हैं, उस पुत्र को नरक में जाना पड़ता है। भरत जी कहते हैं, एक नहीं मैं करोड़ों करोड़ों बार नरक में चला जाऊंगा, परंतु राम से विमुख करने वाली को मैं अपनी मां कभी नहीं कह सकता, तो मां नहीं। वशिष्ठ जी ने और सारी प्रजा ने भरत जी को बहुत मनाया, कहा कि अब राम नहीं है, तुम गादी अयोध्या के राज के ऊपर बैठो और राज्य करो। भरत जी ने ना कहा, मैं नहीं बैठ सकता हूं, बहुत मनाया। समस्त प्रजा ने, मंत्रियों ने, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत भरत तुम्हें तुम्हारे पिता की नीति का पालन करना चाहिए, पिता के धर्म का पालन करना चाहिए। भरत जी कहते हैं, आप लोग हट मत करो, यदि इस प्रकार से हट करोगे और आप मुझे इस राज आसन के ऊपर बिठाओगे तो मैं सत्य कहता हूं, याद रखना, मुही राज हटू दे हुई जब ही रसा रसातल जाई ही तब ही। हट करके यदि मुझे आप इस गादी के ऊपर बिठा दिए, जिस दिन मैं इस गादी के ऊपर बैठूंगा ये रसा ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, माता पृथ्वी इस भार को सहन नहीं कर पाएगी। लोग कहने लगे, तुम नीति तोड़ रहे हो। भरत जी क्रोध करके कहते हैं, नीति मैं नहीं, नीति आप लोग भूल रहे हो।
वह तुम्हारे पिता ने वरदान दिया है, भरत को राज्य और राम को वनवास। भरत जी ने कहा मैं मेरे पिता की बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पिता की बात को हूबहू मुझे स्वीकार करना है नीति के अनुसार। मेरे पिता ने प्रथम वर दिया भरत को राजा और दूसरा वर दिया राम को वनवास, परंतु आप लोगों ने राम को वनवास पहले दे दिया और भरत को राजा बाद में बिठाया। नीति के अनुसार आपको पहले मुझे राजा बनाना चाहिए और फिर राम को वनवास देना चाहिए। एक बार मुझे राजा बना दिए होते फिर देखता दुनिया की कौन ताकत राम को वन में भेज सकती है। लेकिन नीति आप लोग भूल रहे हो। मैं राज नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूं चित्रकूट मेरे प्रभु राम को मिलने के लिए। यदि आपके जीवन में सौभाग्य है तो आप भी हमारे साथ चलो। नंगे पांव भरत जी अयोध्या से चित्रकूट राम यात्रा में निकले हैं। सारी प्रजा भरत जी के साथ, अनेकों अक्षौणी सेना भरत जी के साथ, चतुरंगिणी सेना निकली है। सब लोग अयोध्या से चित्रकूट राम दर्शन के लिए जा रहे हैं। परंतु कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे थे जो भरत जी के पास आए, भाई भरत, भरत आप लोग जा रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपके साथ नहीं आ सकते। भरत जी ने पूछा क्यों? बोले हम आपके साथ आएंगे तो ऑफिस में कौन जाएगा। कुछ लोग आए, भरत आप जा रहे हो लेकिन हम आपके साथ नहीं आ सकते, क्यों? बोले बच्चों की एग्जाम चल रही है। कुछ लोगों ने कहा हम आपके साथ नहीं आ सकते, क्यों? बोले घर का ध्यान रखना होगा। रामायण में साफ साफ लिखा है, उस समय भरत जी ने कहा आग लगे तुम्हारी ऑफिस को, आग लगे तुम्हारे घर को, जर उस संपत्ति सदन सुहद सुख मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाई। अरे संसार में ये धन संपत्ति, ये पति परिजन ऑफिस, ये बच्चे क्यों बने हैं? भगवान के चरणों में भेजने के लिए। जो धन जो संपत्ति जो ऑफिस जो घर भगवान के चरणों से दूर कर रहे हैं, ऐसी वस्तु को जलाकर राख कर देना चाहिए। जला दो सबको और चलो मेरे साथ। तो भक्तों इस संसार में भगवत भक्ति में जो प्रतिकूल होते हैं उसे त्याग, जो त्याग देते हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त। और अंत में कहते हैं व्रज वनिताओं ने गोपियों ने तो कृष्ण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। समर्पण ये भक्ति का बहुत बड़ा पहलू है। तो भगवान कपिलदेव माता देवहूति से कहते हैं त्यक्त स्वजन बांधवा मत कृते त्यक्त कर्माण, मेरे लिए मेरा भक्त अपना सब कुछ त्याग देता है, यहां तक अपने प्रिय स्वजन बांधवों को भी त्याग देता है। मदाश्रया मद कथा युक्ता शुणवंती गृणंती च, मेरा भक्त निरंतर मेरे आश्रय में रहता है, निरंतर मेरी कथा सुनता है और मेरी कथा गाते रहता है। इसे कहते हैं संत, इसे कहते हैं साधु। और ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए। वैसे तो माता देवहूति ने अनेकों प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न यह था प्रभु आप ये बताइए भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति कितने प्रकार की है। भक्तों भक्ति का अर्थ होता है भगवान की प्रेममयी सेवा। जब हम प्रेम से स्वार्थ से नहीं, जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है बिल्कुल प्रेम से, जैसे एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है सेवा करती है, वैसे भगवान से की प्रेम से सेवा करना इसे भक्ति कहा जाता है। फिर वो सेवा अनेकों प्रकार की हो सकती है, परंतु ये भक्ति अनेकों प्रकार की है। वैसे तो भक्ति शुद्ध सात्विक है, परंतु संसार के जीव
रजोगुण तमोगुण और सतोगुणों में फंसे रहने के कारण भक्ति को भी अपने अनुकूल बना देते हैं। भगवान कपिल देव कहते हैं, जो लोग दूसरे को विनाश करने के लिए भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या होता है? दूसरों का कल्याण हो, दूसरों के घर पे दुख आए, दूसरों को दुखी करने के लिए, दूसरों को तड़पाने के लिए जो भक्ति करते हैं उसे तमोगुणी भक्ति कहा जाता है। प्रायः असुर लोग ऐसी भक्ति करते हैं। रावण भी कोई छोटा मोटा भगत नहीं था, बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप भी बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उनकी भक्ति दूसरों को सताने के लिए होती थी। जो लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन मन में ऐसी धारणा रखते हैं, ऐसा भाव रखते हैं कि मेरा ही भला हो, बाकी सबका बिगड़ जाए। मैं अक्सर कहता हूं, एक बार एक शिव जी का भगत था, शिव जी की बहुत उपासना किया, बहुत तपस्या किया, शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन सोच समझ कर मांगना, तुम जितना मांगोगे उसका दुगुना, उनका डबल तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। अच्छा, बोले नाथ, मैं 5 लाख मांगूंगा तो मेरे पड़ोसी को 10 लाख मिलेंगे। बोले हाँ। उस आदमी ने बहुत सोचा, बहुत सोचा। शिवजी मन ही मन में सोच रहे हैं कि लगता है लंबा चौड़ा लिस्ट बना रहा है। मनुष्य की खोपड़ी, बहुत सोचे, बहुत सोचे, बहुत सोचे, और अंत में कहा, भोलेनाथ आप एक काम करो, मेरी एक आंख फोड़ दो। बोले, इतनी बड़ी तपस्या की, मैं प्रकट हुआ, जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, और तुम ये मांग रहे हो? हाँ, मेरी एक आंख फोड़ दो, क्योंकि मुझे जितना दोगे उसका डबल बाजू वाले को देना चाहते हो ना। मेरी एक आंख फोड़ोगे वो साले की डबल दोनों फूटेगी। और भोलेनाथ जाते जाते घर पर एक कुआ बनाते जाओ, उसकी दोनों आंख फूटेगी, घर से बाहर निकलेगा, कुएं में गिरेगा और मरेगा। ऐसी भावना रखकर जो भगवान की भक्ति करते हैं उसे तमोगुणी भक्ति कहा जाता है। तत्पश्चात जो लोग दूसरों को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए भक्ति करते हैं उसे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। बस मात्र दूसरों को दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक आदमी हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, दूसरों को दिखाने के लिए बस। एक बार एक मंदिर में, हमारे इस्कॉन के मंदिर में, किसी ने ये पंखे जो घूम रहे हैं ना आपके ऊपर, ऐसे पंखे डोनेशन दिए, 50 पंखे एक हॉल में लगा दिए। और उन्होंने पहले ही कहा कि मैं आपको 50 पंखे डोनेशन में, दान में दूंगा, लेकिन उसके ऊपर मेरा नाम लिखना होगा। तो मंदिर वालों ने कहा, ठीक है, चलो आपका नाम लिख देंगे। पंखे के ऊपर उनका नाम लिख दिया। कुछ दिनों के बाद वो देखने के लिए आया, पंखे तो लगे हैं ना, तो पंखे लगे थे, पंखे के वो पंख थे, उनके ऊपर उनका नाम भी लिखा था। देखा, ठीक है, लेकिन ऑफिस में जाकर एक निवेदन किया, देखो मैंने जो पंखे आपको दान में दिए ना, उसको ज्यादा चलाना मत, क्योंकि मेरा नाम ठीक से दिख नहीं रहा है, इसलिए ज्यादातर उसको बंद करके रखना। बस जो लोग अपना नाम दिखाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए समाज में भक्ति करते हैं उसे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। तत्पश्चात जो लोग स्वयं सुखी होने के लिए भक्ति करते हैं, अर्थात तत्पश्चात जो लोग सुखी होने के लिए, जिनके मन में ऐसा हो चुका है कि इस संसार में सुख नहीं है, जिनको ये ज्ञान हो चुका है कि इस संसार में सुख नहीं है, हम स्वर्ग में जाकर सुखी होंगे, तो जो लोग
सुखी होने के लिए भक्ति करते हैं, स्वर्ग में जाने के लिए भक्ति करते हैं, उच्च लोकों में जाने के लिए भक्ति करते हैं, उसे सात्विक भक्ति कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार की भक्ति हुई, तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति और सात्विक भक्ति। लेकिन ये तीनों भक्ति से भी एक उच्च भक्ति है जिसे शुद्ध भक्ति भी कहा जाता है, प्रेमा भक्ति भी कहा जाता है, केवला भक्ति भी कहा जाता है और शुद्ध सात्विक भक्ति भी कहा जाता है। शास्त्र में अनेकों नाम है। तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या है? कहते हैं जो लोग कृष्ण के लिए भक्ति करते हैं, भक्त का भाव होता है मेरा जो कुछ भी हो जाए, मैं भले दुखी हो जाऊं लेकिन मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण सुखी होने चाहिए। जो लोग कृष्ण के लिए भक्ति करते हैं उसे शुद्ध सात्विक भक्ति कहा जाता है, उसे प्रेमा भक्ति कहा जाता है। और ये सबसे उच्च भक्ति है। ये भक्ति की नंद बाबा ने है, यह भक्ति की गोपियों ने, ये भक्ति की यशोदा मैया ने, अपने लिए नहीं कृष्ण के लिए। बस ये मेरा लाला है और कृष्ण को नहलाना है, कृष्ण को स्नान कराना है, कृष्ण के लिए भक्ति। पुष्टि संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद वल्लभाचार्य हुए, उन्होंने बहुत सुंदर भजन गाया है किस प्रकार से एक शुद्ध भक्त भगवान के प्रति अपना भाव रखता है, किस प्रकार से एक शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करता है। यमुना जल मा के सर घोले स्नान करावो श्यामला, यमुना जल मा के सर घोले स्नान करावो श्यामला, हल के हाथे अंगो चोले लाबे लड़ाओ श्यामला। वस्त्रो अंगे लूछिया पू पीड़ु पीतांबर श्यामला, सुगंधि नाखिया वाकड़िया तुझ वाण मिल, सुगंधि नाखिया वाकड़िया तुझ, यमुना जल मा के सर गो स्नान करावो श्याम, कुमकुम के ना तिलक सजाऊं त्रिकम तारा हाल मा, तिलक सजाऊं त्रिकम तारा हाल मा, अलबेली आ हो मांझो अंजन मारा वाल मा, जल मा के सर गोड़ी स्नान कराओ श्यामला, हसती जाऊं वाते वाते नाची उठू तान मा, जाओ
जरन लागे मारा श्याम सुंदर में टपका करी दऊ गाल यमुना जल माती सर घोड़ी स्नान कराऊ श्याम पग मांझर छुम छुम वागे कर्मा कंकण पाल मा कंठे माला कान मकुंड चोर चितड़ू चाल जल मा के सर गो स्नान कराओ श्याम मोर मुकुट माथे पहरावी मुरली आपू हाथ मा कृष्ण कृपाल निरखी शोभ स्वर्ग सघनी वासना यमुना जल माथे सर गो स्नान कराऊ श्याम शुद्ध भक्ति भगवान के लिए भगवान का नाम गाना गोपाल 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 यहां पर जितने भी भक्त बैठे हैं और टीवी पर भी हमारे जितने भी बंधु बैठे हैं सब लोग प्रेम से गाइए गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा से
कृष्णचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार चार प्रकार की भक्ति होती हैं, उनमें से श्रेष्ठ है प्रेमा भक्ति। जब कोई प्रेमी किसी से प्रेम करता है तो जैसे उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है, वैसे बिना स्वार्थ के जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तब उसे शुद्ध भक्ति कहा जाता है। आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है, बिना स्वार्थ के यदि हम भक्ति करेंगे तो फिर हम तो बिल्कुल कोरे रह जाएंगे। कृष्ण के लिए कृष्ण की भक्ति करेंगे, मन में कोई इच्छा नहीं रखेंगे तो हमारे पास तो कुछ नहीं रहेगा। भक्तों, भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। भगवान बड़े बुद्धिमान है, कृपालु है। भगवान के पास कुछ मांगने की जरूरत नहीं। यदि हम शुद्ध भक्ति करते हैं, प्रेमा भक्ति करते हैं, तो नहीं मांगने पर भी भगवान हमको देते हैं, अवश्य देते हैं। बस हमें हमारे कर्म में लगे रहना चाहिए, फल की आशा नहीं रखनी। इस प्रकार भगवान कपिल देव अनेकों प्रकार का उपदेश देते हुए माता देवहूति को शुद्ध भक्ति के मार्ग पे अग्रसर करते हैं। देवहूति का मन शांत हुआ, भगवान कपिल देव बिंदु सरोवर को छोड़कर गंगा सागर चले गए और यहां पर विदुर जी मैत्रेय जी के चरणों में निवेदन प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और पुनः विदुर जी मैत्रेय मुनि और हरिद्वार क्षेत्र को त्याग कर हस्तिनापुर वापस लौट जाते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां तृतीय स्कंध समाप्त है। यहां पर भागवत का तीसरा स्कंद समाप्त हुआ, चौथा स्कंद प्रारंभ। इस चौथे स्कंद में भी मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, मनु और शत्रुपा की तीन कन्या हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिससे 9 कन्या और 1 पुत्र की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात दूसरी पुत्री आकुति, जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिससे यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। दोनों जुड़वा पुत्र थे, पुत्र और पुत्री। और यज्ञ और दक्षिणा ने विवाह किया, जिससे 12 पुत्र की प्राप्ति हुई, तोष, प्रतोष, संतोष इत्यादि। मनु और शत्रुपा की तीसरी कन्या, जिसका नाम था प्रसूति। मनु महाराज ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कराया। दक्ष प्रजापति और प्रसूति का विवाह हुआ, उसके विवाह से कहते हैं 16 कन्या का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति और प्रसूति से 16 कन्या का जन्म, उनमें से 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ कराया गया। और धर्म के द्वारा 13 कन्याओं के गर्भ से 1-1 पुत्र की प्राप्ति हुई। 14वीं कन्या का नाम था स्वादा। स्वादा का विवाह पितृगण के साथ कराया, जिससे 4 पुत्र और 1 कन्या की, 2 पुत्री की प्राप्ति हुई। 15वीं कन्या का नाम था स्वादा। स्वादा था और अब ये 15वीं कन्या का नाम स्वादा। स्वादा का विवाह अग्नि के साथ कराया गया, जिससे 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। दक्ष प्रजापति और प्रसूति की 16वीं कन्या, जिनका नाम था सती, और सती का विवाह शिव जी के साथ कराया गया। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि सती गर्भवती हो, सती के गर्भ से संतान की प्राप्ति हो, उनके पहले तो सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्महत्या करके मर गई। तब विदुर जी प्रश्न पूछते हैं, महाराज रुकिए रुकिए, अब इतनी तेज कथा मत सुनाइए। आपने ऐसा कहा कि देवी सती
दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अर्थात अपने पिता के यज्ञ में आत्महत्या करके मर गई, इसका कारण क्या? तब मैत्रेय मुनि उत्तर देते हैं, इसका कारण ससुर और दामाद के बीच में झगड़ा था। तब विदुर जी प्रश्न पूछते हैं, असंभव ये भवेशिलवताम श्रेष्ठ दक्ष दुहित्र वत्सल विद्वेषम अकरोत ब्रह्म। हे मैत्रेय मुनि, शिवजी जो है परम शांत विग्रह है, शिवजी बड़े शांत हैं और दक्ष अपनी छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं। और इस संसार में देखा गया है कि एक व्यक्ति अपने भाई से झगड़ा कर लेता है, अपने पिता से झगड़ा कर लेता है, अपने चाचा मामा बंधुओं से झगड़ा कर लेता है, लेकिन अपने ससुर से कभी झगड़ा नहीं करता। लेकिन यहां पर शिवजी का और उनके ससुर दक्ष प्रजापति का ऐसा कौन सा बड़ा झगड़ा हो गया जिससे सती को आत्महत्या करके मरना पड़ा? कृपा करके विस्तार से सुनाइए, कथा बहुत विस्तार से है, समय हमारे पास कम है, क्योंकि आज 3-4 स्कंद की कथा हमें करनी है, संक्षिप्त में इतना ही सुनिए। एक दिन दक्ष प्रजापति ही, क्योंकि दक्ष प्रजापति बड़े गुणवान थे, अतः ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया। एक दिन उनकी सभा में सब लोग आए थे, सब समस्त देवता लोकपाल, ब्रह्मा जी भी आए थे, शिव जी भी आए थे, सब लोग। और उस सभा में दक्ष प्रजापति ने जब प्रवेश किया, सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, परंतु बेचारे भोलेनाथ खड़े नहीं हो पाए। अब क्या पता सुबह जल्दी मंगला आरती में 3 बजे जगे होंगे तो जबकि आ गई होगी। अब एन के एन प्रकार ने बेचारे खड़े नहीं हो पाए, इतना इतना बड़ा अपराध नहीं था, लेकिन दक्ष प्रजापति के हृदय में बड़ा अहंकार था, अभिमान। परंतु इस संसार में दूसरों से सम्मान लेते 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 फिर सम्मान लेने की आदत पड़ जाती है। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत है, अमानिन मान देन, कभी भी मान की आशा नहीं रखनी चाहिए। ये आप लोग रोज मुझे हार पहनाते हैं, है ना, एक दिन हार पहनाया, 2 दिन, 3रे दिन, 4थे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, फिर मान लो एक दिन आप लोग भूल गए तो तुरंत मन में होता है कि यार हार नहीं पहनाया है। वैसे तो हार की बात दूर है, कोई फूल का भी नहीं पूछता, लेकिन जब इस प्रकार से सम्मान मिलने लगता है तो सम्मान लेते लेते फिर सम्मान लेने की आदत सी हो जाती है। दक्ष प्रजापति को इतना अभिमान था, हजारों लोग उनके आगमन से खड़े हो गए, उनको ये नहीं दिख रहा है, लेकिन एक आदमी और वो भी अपना दामाद है, वो खड़ा नहीं हो पाया तो उनके मन में खटक गया और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। संसार में ऐसा होता है, थोड़ी सी कमी रह जाने से व्यक्ति अन्य वस्तु का लाभ नहीं ले सकता है। कई बार लोगों को हम देखते हैं ना, भोजन में रोटी है, सब्जी है, दाल भात खीर सब कुछ है, लेकिन यदि पापड़ न हो तो खाते खाते कहते हैं यार सब कुछ है लेकिन पापड़ नहीं है। 2-2 मिनट में बोलते हैं यार ठीक तो है लेकिन पापड़ हो जाता तो, यार पापड़ नहीं है, पापड़ नहीं है तो नहीं है, बाकी सबका आनंद लूटो, लेकिन एक छोटी सी वस्तु के भाव में आदमी बाकी का आनंद नहीं ले सकता। अब बताइए हजारों लोग उनको देखकर खड़े हो गए, अरे उनका आनंद लो, एक बेचारा खड़ा नहीं हो पाया तो उसमें क्या तकलीफ हो गई? अभिमान बहुत बुरी चीज होती है। दक्ष प्रजापति को अभिमान हुआ, तुरंत अपने सिंहासन के ऊपर गया और माइक हाथ में ले लिया। हमारे गुरु जी कहते हैं कि माइक हाथ में ले लिया और फिर चिल्लाने लगा, धिक्कार है मेरे दामाद को। शिवजी जग गए, बोले इतनी भी बुद्धि नहीं है कि ससुर जी का जब आगमन हो तो उनके स्वागत में खड़ा हो जाना चाहिए, एक कैसा दामाद मुझे प्राप्त हुआ है, संसार के लोग अपने शरीर के ऊपर पाउडर लगाते हैं, ये शमशान की भस्म लगाता है।
कभी नहाता नहीं है, स्नान नहीं करता है और भूतों के साथ उठता बैठता है। किसी ने कहा, महाराज यदि आपको ये सब पता था तो अपनी बेटी का विवाह इससे क्यों कराया? बोले मैं तो चाहता ही नहीं था, लेकिन ये दाढ़ी वाले ब्रह्मा बेटा है ना मेरा बाप, उन्होंने शादी कराई। मैं तो चाहता ही नहीं था, लेकिन ये बेटे इन्होंने कहा कि शादी कराओ, और मैंने सोचा शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन शादी के बाद तो और बिगड़ रहा है। आज तक सलून में नहीं गया, तू गया कभी सलून में? लंबी जटा बढ़ाते रहता है। शिव जी का बहुत अपमान किया दक्षिणा, बहुत अपमान। मेरी बेटी एक राजा की कन्या राजशाही में पली बड़ी है, आज तक अपने लिए एक झोंपड़ी भी नहीं बनाया, बिचारी को पेड़ के नीचे रखता है। इस प्रकार शिव जी का बहुत अपमान करने लगे। कपड़े पहनने का कोई ज्ञान नहीं है, मृग चर्म लपेट कर घूमता है, हाथ में डमरू रखता है। दक्ष प्रजापति ने बहुत अपमान किया, और इतना अपमान दक्ष प्रजापति को फील हुआ कि उस सभा को छोड़कर वे चले गए। ये बहुत अच्छा काम किया। जब हमारे मन में क्रोध आए तो तुरंत उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो केस बिगड़ जाता है, क्योंकि क्रोध सबसे पहले आंखों में आता है, जानते ना, क्रोध सबसे पहले आंखों में आता है। आपका अनुभव होगा, आप कभी हाईवे से जा रहे हो, मोटर कार लेकर जा रहे हो, और आगे ट्रक वाला ट्रक चला रहा है, और फिर आप बहुत हॉर्न मारो साइड देने के लिए, लेकिन न तो तेज चलाता है न तो वो साइड देता है। बहुत हॉर्न मारते साइड नहीं देता है। तब क्या करते हैं, रॉन्ग साइड से हम आगे चले जाते हैं, फिर दोनों ड्राइवर एक दूसरे को खुन्नस से देखते हैं, ऐसा लगता है कि आंखों से जलाकर भस्म कर देगा। क्रोध सबसे पहले आंखों में आता है, फिर दोनों ब्रेक मारते हैं, क्योंकि दोनों की खोपड़ी एक है, और दोनों अंदर से उतरते हैं। क्रोध पहले आंखों में, यदि आंखों से कंट्रोल हो गया तो ठीक है, नहीं तो आंखों से फिर क्रोध वाणी में आ जाता है। दोनों उतरते एक दूसरे को गाली, तू साइड क्यों नहीं देता है, तू ऐसा है, तू वैसा है। वाणी पर क्रोध आ जाए तो उसको बंद कर देना चाहिए, वश में कर लेना चाहिए, लेकिन वाणी पर भी यदि कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर इंद्रियों में आ जाता है, हाथ और पांव में, फिर हाथापाई होने लगती। दक्ष प्रजापति सभा को छोड़कर चले गए, परंतु यहां शिव जी के जो पार्षद नंदी थे, नंदी से सहन नहीं हुआ, बोले हमारे स्वामी को इस प्रकार से अपमान करना। नंदी को क्रोध हुआ, बोले ये दक्ष प्रजापति का अनर्थ हो जाए, और दक्ष के साथ उनके जितने भी अनुचर हैं, ये भृगु हैं, ये जितने भी ऋषि मुनि हैं, ये सब का पतन हो जाए, ब्राह्मणों का पतन हो जाए। भृगु मुनि ने कहा न लेना न देना, अपराध किया दक्ष ने और मुझे श्राप दे रहा है। भृगु मुनि को क्रोध आया, मुझे श्राप दे रहा है, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, शिव जी के जितने भी गण है सब पाखंडी हो जाए। आज भी देखा जाता है ना, शिव जी के जो भगत होते हैं पाखंडी, गांजा पीते हैं, भांग पीते रहते हैं। ये श्राप है नंदी जी का। उस समय ही श्रापा श्रापी होने लगी, एक दूसरे के श्राप से लोग युद्ध करने लगे। शिव जी ने सोचा यदि मैं यहां बैठा रहूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। शिव जी खड़े होकर वहां से निकल गए, अपने घर पर वापस लौटे, अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई। हमारे जैसे नहीं थे ना, कुछ भी हो जाए तो पत्नी को बता देना। शिव जी ने सोचा पत्नी को बताऊंगा तो बेचारी दुखी होगी, इसलिए अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई। लेकिन यहां दक्ष प्रजापति तो ईर्ष्या की आग में जल रहा था, उनके मन में शिव जी के प्रति बहुत ईर्ष्या हो चुकी थी। शिव जी का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, और उस यज्ञ में पूरी दुनिया को बुलाया, सभी लोकपाल, समस्त देवता, और सबको कार्ड, इनविटेशन कार्ड लिखा, बहुत सुंदर कार्ड लिखा, आप सबको सब परिवार हमारे यज्ञ में आना है, और नीचे लाल रंग से बोल्ड मोटे अक्षर से लिखा, देखो रास्ता थोड़ा लंबा हो जाए तो लंबे से आना, लेकिन आप सब लोग शिव जी के कैलाश से होकर आना, ताकि उसको भी भान हो जाए
कि सबको बुलाया है, उनको ही नहीं बुलाया। दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। आज देवी सती देख रही हैं कि इतने सारे विमान आकाश से सज सज कर जा रहे हैं, आखिर है क्या। देवी सती ने विमान एक देवता को नीचे बुलाया, उतारा, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले आपको पता नहीं आपके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, लो आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हो, आपको ही नहीं पता। सती ने कहा मेरे पिताजी बहुत बड़े हैं ना, उनके रिश्तेदार बहुत ज्यादा है, हमको कार्ड देना भूल गए होंगे। सती गई अपने पति शिव के पास, बोले ना पतिदेव आपको पता है क्या, बोले मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। शिव जी ने कहा जानता हूं। बोले अरे आप जानते हो फिर भी आप नहीं जा रहे हो। नहीं। क्यों नहीं जा रहे हो। शिव जी ने कहा क्योंकि बुलाया नहीं हमको। सती ने बहुत सुंदर सिद्धांत दिया, गुरु के घर पर, मित्र के घर पर और पिता के घर पर कभी भी आमंत्रण की, निमंत्रण की राह नहीं देखनी चाहिए, बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए। सती ने बहुत सुंदर बताया, लेकिन उससे भी बड़ा सिद्धांत शिव जी ने बताया। बोले गुरु के घर पर है? और मित्र के घर पर और पिता के घर पर निमंत्रण की राह नहीं देखनी चाहिए, बात सत्य है, लेकिन कब, जब वे लोग निमंत्रण देना भूल गए हो तब। जानबूझकर निमंत्रण न दिया हो तब तो वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। उनको पता है और फिर भी जानबूझकर नहीं बुलाया तो नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना है। सती ने कहा नहीं जाना है। शिव जी ने कहा मैंने कहा नहीं जाना है, क्योंकि शिव जी ध्यान में जान गए थे कि यदि ये वहां पर जाएगी, यदि मैं इसको लेकर जाऊंगा तो सती को पता चलेगा उन लोगों ने मेरा अपमान किया है और सती इसे सहन नहीं कर पाएगी और अंत में आत्महत्या करके मर जाएगी। इसलिए शिव जी ने कहा नहीं जाना है। सती ने कहा जाऊंगी। शिव जी जो बार बार कहने लगे नहीं जाना है, बोले मैं तो मई के जाऊंगी, वहां पर मेरी मौसी आई होगी, मेरी नानी आई होगी, मेरे चाचा हैं, ये सब आए होंगे। जब बार बार शिव जी ना कहने लगे तब सती ने आजकल का जो रेगुलर डायलॉग आप सुनते होंगे, यदि आप मुझे नहीं जाने दोगे तो जहर पी जाऊंगी, लगभग कॉमन हो चुका है, मैं जहर पीकर मर जाऊंगी। शिव जी अब तो सोच में पड़ गए, बोले ये जहर पी जाएगी और मरेगी और वहां जाएगी तो भी मरेगी। शिव जी ने सोच लिया कि ये यहां पर रहेगी तो जहर पीकर मरेगी, वहां जाएगी तो अपने पिता के घर पर, मरना दोनों जगह पर है। शिव जी ने सोचा अच्छा है मेरे वहां मरे, उससे अच्छा है उसके बाप के वहां मरे। यदि यहां मरेगी तो वैसे ही वो क्रोध कर रहा है कि कोर्ट में केस कर देगा तो फिर चक्कर हो जाएंगे, इसलिए शिव जी ने कहा ठीक है तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं आऊंगा। सती तैयार हो गई, अपनी बैग अटैची तैयार करने लगी, बार बार कह रही है देखो अभी भी कह रहा हूं आप चलोगे मेरे साथ, बोले मैं नहीं, मुझे नहीं आना। बोले आप कहो तो आपके भी दो जोड़ी कपड़ा डाल दूं अंदर, बोले मुझे नहीं आना। सती गई, गई तो शिव जी ने नंदी को बोला नंदी जाओ जरा उनको छोड़ के आओ, नहीं तो उनका बाप बोलेगा गाड़ी भी नहीं भेजता है मेरी बेटी के लिए। तो नंदी जी देवी सती को अपने ऊपर बैठाकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में लेकर आए। सती ने देखा कि यहां पर सब लोग आए हैं, सब लोग आए हैं, बस हमको ही बुलाना भूल गए। सती सबको पूछ रही है क्या हुआ क्या हुआ, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। सती सीधी अपनी मां प्रसूति के पास गई। प्रसूति कौन, मनु महाराज की कन्या आकुति देहूति प्रसूति। सती अपनी मां प्रसूति के पास गई और कहा मां तू सच सच बता क्या हुआ, ये सबको बुलाया हमको ही नहीं बुलाया। तब प्रसूति ने सारी बात बताई, बेटा पिछली बार जब यज्ञ हुआ था तब तुम्हारे पति तुम्हारे पिता के आगमन से खड़े नहीं हुए और उन्होंने बहुत अपमान किया था और उस अपमान के कारण ही ये यज्ञ किया गया है। बस उस समय सती को ज्ञान हो गया, लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार कनखल क्षेत्र की ये बात है, हरिद्वार में कनखल में दक्ष प्रजापति का जहां यज्ञ हो रहा था लाखों लोग बैठे थे। सती ने उच्च मंच पे जाकर सबको ललकारते हुए कह दिया
रामायण में बहुत विस्तार से वर्णन है। सती ने कह दिया कि संसार में भगवान विष्णु शिव और वैष्णव का जो अपमान करता है उनका पतन निश्चित है, और उसमें भी शिवजी जैसे महान वैष्णव इस संसार में कोई नहीं है। ये मेरे पिताजी क्या मानते हैं कि शिवजी अच्छे भले नहीं हैं? अरे इस संसार में तीन प्रकार के लोग होते हैं। जो थर्ड क्लास के लोग होते हैं वे दूसरों के गुण में भी दोष देखते हैं। सेकंड क्लास के लोग होते हैं जो दूसरों के गुणों में गुण और दोष में दोष देखते हैं। लेकिन अव्वल नंबर के फर्स्ट क्लास के लोग उसे कहते हैं जो दूसरों के दोष में भी गुण देखते हैं। और जो लोग दूसरों के दोष में गुण देखते हैं उसे महात्मा कहा जाता है। शिवजी जैसा महात्मा इस दुनिया में कोई नहीं। अरे तुम क्या जानो, तुम क्या जानो शिवजी की महिमा को। शिवजी की महिमा का वर्णन किया देवी सती ने, बोले तुम ऐसा सोचते हो कि हमारे पति भूतों के साथ रहते हैं? अरे भूतों के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके हृदय में करुणा है। इस संसार में सबका उद्धार करने के लिए सब लोग बने हैं, लेकिन भूतों का उद्धार कैसे होगा? भूतों का उद्धार करने के लिए मेरे पति उनके साथ रहते हैं, ये उनका गुण है। और यहां तक क्या हमारे पति के पास पैसे की कमी है? अरे थोड़ी सी तपस्या कोई कर लेता है तो हमारे पति उनको सोने की लंका दे देते हैं, मन चाहिए इच्छा पूर्ण कर देते हैं। अरे जो दूसरे को सोने की लंका दे सकता है वो व्यक्ति अपने लिए क्या नहीं कर सकता। लेकिन शिवजी जैसा वैरागी इस संसार में कोई नहीं, ये उनका वैराग्य है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, अपने वैराग्य से जगत को शिक्षा दे रहे हैं। दूसरों के दोष में भी गुण देखने वाले हमारे पति शिव जी हैं। और मेरे पिता ने, ये मेरा बाप तो मरेगा क्योंकि उन्होंने शिव जी का अपमान किया है, लेकिन जब मेरे पिता शिव जी जैसे महात्मा का अपमान कर रहे थे तब आप लोगों के मुख में जीवा नहीं थी? हे भृगु मुनि, एक एक को ललकारते हुए देवी सती ने कहा कि आप मेरे बाप को रोक नहीं सकते थे? ये मेरे पिता तो मरेंगे लेकिन साथ साथ आप लोग भी मरोगे, क्योंकि जिस सभा में शिवजी जैसे वैष्णव का अपमान किया जाता है, यदि हिम्मत हो बस में हो तो उस आदमी की जीभ खींच लेनी चाहिए, और यदि ऐसा ना कर सके तो उस सभा को छोड़कर चले जाना चाहिए। आप लोग यहां पर बैठे बैठे मजा लूटते रहे, आप सबका पतन होगा। और आज मुझे हीनता महसूस हो रही है कि मैं उस आदमी की पुत्री हूं जिसने शिवजी जैसे महात्मा का अपमान किया। आज ये शरीर दक्ष प्रजापति का है ये सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। उसी समय देवी सती ने अपने शरीर से योगाग्नि प्रकट की और उस अग्नि में जलकर भस्म होकर मर गई। ये बात किसी ने शिवजी को कैलाश लोक में बताई, शिवजी को पता चला कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मेरी पत्नी सती आत्महत्या करके मर गई। उसी समय शिवजी ने अपनी एक जटा को उखाड़ा, पृथ्वी पर पटका और वीरभद्र नामक एक विकराल पुरुष को प्रकट किया। शिवजी ने आदेश दिया, जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को छिन्न भिन्न कर डालो। आज वीरभद्र परम उत्साह से शिवजी के यज्ञ में जा रहा है। शिवजी के सारे रुद्रगण भूत पिशाच एक पूर्ण सेना दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आई और दक्ष प्रजापति के यज्ञ के मंडप को उखाड़ दिया, दक्ष प्रजापति के यज्ञ की अग्नि को बुझा दिया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आए हुए सभी स्त्रियों को डराने लगे, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आए हुए समस्त लोगों को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर इस प्रकार वीरभद्र परम क्रोधित होकर मेरे स्वामी को इन लोगों ने परेशान किया, मेरी स्वामी की पत्नी का वध कर दिया। वीरभद्र ने देखा कि जिस समय दक्ष प्रजापति शिव जी का अपमान कर रहे थे उस समय भृगु मुनि ही अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ घुमा रहे थे। हाँ बच्चों,
जिस समय दक्ष प्रजापति शिव जी का अपमान कर रहे थे उस समय भृगु मुनि अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ घुमा रहे थे, वीरभद्र को पता चलते ही भृगु मुनि की दाढ़ी को खींच लिया, शेविंग किए बिना बिल्कुल दाढ़ी को खींच लिया, खून निकलने लगा, चिल्लाने लगे। जिस समय दक्ष प्रजापति शिव जी का अपमान कर रहे थे उस समय पूसा नाम का एक देवता हंस रहा था, दांत दिखा दिखा कर हंस रहा था। वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, 32 दांत हाथ में आ गए। मैत्री मुनि वर्णन करते हैं, और जिस समय दक्ष प्रजापति शिव जी का अपमान कर रहे थे भोग नाम का एक देवता आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। वैष्णव का अपमान देखना नहीं चाहिए, लेकिन शिव जी के अपमान को आंखें खोल खोल के देख रहा था। वीरभद्र ने अपने दोनों हाथ उनके आंखों में डाले और दोनों आंखें बाहर निकाल दी, और अब वीरभद्र की दृष्टि दक्ष प्रजापति के ऊपर गई। इसी दक्ष प्रजापति ने मेरे स्वामी का अपमान किया, इसी दक्ष प्रजापति के कारण सती ने अपना देह त्याग दिया। वीरभद्र दक्ष प्रजापति को घसीटते हुए उस यज्ञ कुंड के पास लेकर आए। उस यज्ञ कुंड के पास पशुओं के मस्तक को काटने के लिए एक पात्र बनाया गया था, वहां पर दक्ष प्रजापति के मस्तक को रख दिया। एक चमकती हुई तलवार को हाथ में लेकर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के मस्तक को काट डाला। इस प्रकार शिव जी के गणों ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। संसार में हाहाकार मच गया, यह ब्रह्मांड कांपने लगा, यह धरती डोलने लगी। समस्त देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा समस्त देवताओं को लेकर शिव जी के पास आए, और समस्त देवता शिव जी की स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदया रविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अनेकों श्लोकों में देवताओं ने स्तुति की। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष, आशु माने तुरंत, तोष माने संतुष्ट, जो तुरंत प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहा जाता है। शिव जी प्रसन्न हो गए, शांत हो गए, और ब्रह्मा जी ने कहा, भोलेनाथ आप शांत हो जाइए, अब जो हुआ सो हो गया। शिव जी जब शांत हुए तो वो जो हैंडीकेप हो चुके थे, वीरभद्र ने सबको हैंडीकेप कर दिया था, एक के बाद एक को लाया गया। सबसे पहले भृगु मुनि को स्ट्रेचर पर लाए शिव जी के पास। भोलेनाथ, आपके आदमी ने इसकी दाढ़ी निकाल दी, शेविंग किए बिना दाढ़ी निकाल दी, देखो बिना दाढ़ी के अच्छे भी नहीं लग रहे हैं। अब तो आप प्रसन्न हो चुके हो, अब आप इसका कुछ कीजिए। शिव जी ने कहा, दाढ़ी तो मैं लगा दूंगा, लेकिन मनुष्य की दाढ़ी इसको नहीं लग पाएगी। अब क्या पता, शिव जी को बकरे के साथ बहुत प्रेम। शिव जी ने कहा, मनुष्य की दाढ़ी नहीं, मैं इसे बकरे की दाढ़ी लगा सकता हूं। बोले, जो लगाना है लगा दो आप। तो शिव जी की कृपा से भृगु मुनि को बकरे की दाढ़ी मिली। तो ये बकरे की दाढ़ी, हमारे अमिताभ जी जो दाढ़ी रखते हैं ना, वो उस समय की है। ये फ्रेंच कट जो है ना, उस समय से चली आई। भृगु मुनि बकरे की दाढ़ी। फिर वो जो भग नाम का जो देवता था उसको लाया गया है। महाराज, आपके आदमी ने तो इसकी दोनों आंखें ही निकाल दी। शिव जी ने कहा, वो ओरिजिनल आंख नहीं लग सकती है, तो कुछ तो कीजिए। शिव जी ने कहा, ठीक है, इसको बकरे की आंख लगा सकता हूँ। बोले, लगा दो। बकरे की आंख लगा दी। पूसा नाम का जो देवता था, 32 दांत बाहर आ गए, बेचारे का कुछ दिख ही नहीं रहा था। बोले, महाराज इसका
दो तीन दांत भी रहने दिया होता तो बेचारा चबा सकता था, कुछ रहने ही नहीं दिया इसका, 3232 निकाल दिया आपके आदमी ने। बोले ना तो इसका कुछ कीजिए, शिव जी ने कहा देखो इसका कुछ नहीं हो सकता, उस समय नकली दांत का नहीं रिवाज नहीं था। बोलेनाथ ने कहा कि इसका कुछ नहीं हो सकता, एक काम करो मैं आपको ग्राइंडर जूसर देता हूं, इसको जूस पुनः बनाकर पिलाया करो। भागवत की बात है, भागवत में ऐसा लिखा है। शिव जी ने एक मिक्सर दे दिया, बोले इसको अब जूस पिलाओ आप। वास्तव में जिसके दांत नहीं होते उनको जूस पीना चाहिए, ये तो सब हुआ, लेकिन महाराज आपके ससुर का तो कुछ कीजिए, उसका तो मस्तक ही काट डाला। शिव जी ने कहा जो भी हो आखिर मेरे ससुर हैं, ओरिजिनल मस्तक नहीं आ सकता है। तो क्या करे, बोले बकरे का मस्तक दे सकता हूं। बोले ठीक है। शिव जी ने बकरे का मस्तक दक्ष प्रजापति के ऊपर लगा दिया, दक्ष प्रजापति जीवित हो गए। पर अंत में फिर आगे कथा तो लंबी है। मैत्रेय मुनि कहते हैं दक्ष प्रजापति रोज सुबह स्नान करके कांच के सामने बाल बनाने आते थे तो बकरे का मस्तक देखते थे, बेचारे निराश हो जाते थे, इतना अच्छा मस्तक था ये बकरे का मिल गया। रोज रोज बकरे का मस्तक देखकर थक गए, एक दिन खुद आत्महत्या करके मर गए। तो इस प्रकार शिव जी की कथा। अब जानते हैं शिव जी की कथा कहां से आई, मैं आपको याद करा दूं। ये वंशावली चल रही है, हैं? भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा की तीन कन्या हैं? देवहूति, आकुति और प्रसूति, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की 16वीं कन्या थी सती, और सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ, वहां से ये कथा आई है। तो इस प्रकार मनु और शत्रुपा के तीन कन्या की कथा हो गई। अब मैत्रेय मुनि मनु और शत्रुपा के पुत्रों की कथा सुना रहे हैं। वैसे बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत, छोटे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। वैसे बड़े पुत्र की कथा पहले सुनानी चाहिए, लेकिन छोटे पुत्र की कथा पहले सुना रहे हैं, क्योंकि छोटे पुत्र उत्तानपाद जो थे उनके एक बहुत सुंदर और भक्त पुत्र हुए जिसका नाम था ध्रुव। तो मैत्रेय मुनि ध्रुव महाराज की कथा सुना रहे हैं। मनु महाराज के पुत्र हुए उत्तानपाद, और उत्तानपाद की दो पत्नी। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतरावत्सुतो ध्रुव। राजा उत्तानपाद की दो पत्नी थी, एक पत्नी का नाम था सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। संतों का ऐसा कहना है कि संसार में दो टाइप की पत्नी होती हैं। आपके पास किस टाइप की जरा देख लीजिएगा, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। इस संसार में दो प्रकार की पत्नी होती हैं, एक प्रकार की पत्नी होती है सुनीति और दूसरी प्रकार की पत्नी होती है सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है जो अपने पति की नीति के अनुसार चले, जो वेदों की मर्यादा के अनुसार चले, उसे सुनीति कहा जाता है। और जो पत्नी अपनी रुचि के अनुसार चले, मन चाहे तब टीवी देखे, मन चाहे तब ब्यूटी पार्लर में जाए, अपनी रुचि के अनुसार जो जीती हैं उसे सुरुचि कहा जाता है। ऐसा लगता है कलयुग में सुरुचि का प्रमाण ज्यादा है, अपने रुचि के अनुसार चलने वाले का। लेकिन जो भी हो, उत्तानपाद के पास तो ये दोनों पत्नी थी, दोनों पत्नी थी। पहले इनका विवाह सुनीति के साथ हुआ था। सुनीति के साथ विवाह हुआ, परंतु उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और जब राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब एक दिन सुनीति ने ही कहा, पतिदेव आपको मुझसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए आप एक काम कीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि आप राजा हो और राजा का वंश तो आगे चलना चाहिए,
राजा के बाद कोई राजा तो होना चाहिए, तो मुझसे कोई संतान नहीं हो रहे, अतः आप मेरी आज्ञा से या मेरे अनुमति से दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा ने सुनीति के कहने पर दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ, और सुरुचि से विवाह करके राजा जब घर पर आए, सुरुचि ने देखा मेरे से पहले ही एक स्त्री इनके घर पर बैठी है। तुरंत घर पे आकर सुरुचि ने कहा, ये कौन, ये है कौन? राजा उत्तानपाद ने कहा, ये तुम्हारी बहन, मेरी पहली पत्नी। अच्छा, अब राजन तुम विचार कर लो, निर्णय कर लो, या तो ये तुम्हारे घर पर रहेगी या मैं तुम्हारे घर पर रहूंगी, तुम्हें किसको रखना? अब बेचारे राजा क्या करते। राजा उत्तानपाद ने अपनी प्रथम पत्नी सुनीति को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, यहां तक कि राजा के राज्य से बाहर राजा से कोई वस्तु कुछ नहीं मिला। आज तो कोर्ट कचहरी होती है और 2-5 लाख 10-15 लाख रुपए भी मिल जाते हैं, इसको कुछ नहीं मिला। बस एक झोंपड़ी में रहने लगी, पूरा दिन जंगल में जाकर लकड़े बटोर कर उसे बेचती थी और अपने जीवन का निर्वाह करती थी। एक दिन राज रानी थी, आज बेचारी रोड पर आ गई है, मतलब तो जीवन की स्थिति का कोई भरोसा नहीं। जीवन का यही रंग बदलता जाए, रंग बदलता जाए, सुख और दुख तेरी छाया पल पल में पलटाए। जीवन का यही रंग बदलता जाए, रंग बदलता जाए। एक कवि ने बहुत सुंदर भजन गाया है, तो जीवन के रंग बदलते रहते हैं। हमारा जीवन एक किताब के समान है, किताब के पत्ते दिन भर दिन पलटते हैं, पत्ते को पलटते हैं। एक पत्ते पर सुख लिखा होता है, लेकिन वह पत्ता पलटते ही दूसरे पत्ते पर दुख लिखा है। एक पत्ते पर कामयाबी है तो उसके बाद निराशा है। इस संसार में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, जीवन के रंग बदलते रहते हैं। एक दिन राज रानी हैं, हजारों लोग उनके चरण को चूमते थे, लेकिन आज बेचारी झोंपड़ी में चली गई। और इसीलिए तो सूरदास जी ने कहा है ना, जब जीवन में धन आए पद आए तो कभी अभिमान मत करना, क्योंकि ये धन और पद सदा के लिए साथ में नहीं रहता है। इस संसार में एक से एक लोग आए भक्तों, सहस्त्र बाहु दस बदन आद नीतो, बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठरीते। हम तो एक मस्तक वाले हैं ना, हजारों भुजा वाला सहस्त्र बाहु, अरे दस दस मस्तक वाला रावण इस भूमि पर आया है। हम करी धन धाम सवारे, ये मेरा ऑफिस, ये मेरा धन, मेरा मेरा करते सोने की लंका तक बना लिया, लेकिन अंत में तो छोड़कर जाना पड़ा ना, छोड़ना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को ले लीजिए। एक दिन राजा रा